दूसरों के दुख में सहभागी होना ये एथिक ऑफ कंपैशन है जिसके बारे में हम थोड़ी सी आज बातें करेंगे प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में एक मर्तबा वो अपने कंपेनियंस के साथ बैठे थे तब अचानक वहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल आया अब ये जो लोग आए थे वो बहुत ही गरीब दिखाई दे रहे थे इनके तन के ऊपर पूरे कपड़े नहीं थे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था वे बहुत ही पेल और वीक लग रहे थे जब रसूलुल्लाह उन्हें देखते हैं उन्हें बहुत ही दुख होता है वो अपने चैम्बर में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर बाहर आकर बिलाल को अदान देने के लिए फरमाते हैं लोग वहां जमा होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस प्रेयर को लीड करते हैं और कुरान शरीफ की नीसा वर्स इस के अंदर वो रिसाइट करते हैं अल्लाह सुबान आला इस वर्स में फरमाते हैं ओ मैन खाइंड बी केयरफुल ऑफ योर ड्यूटी टू योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू

सोल से बने हुए हैं और हमारी एक दूसरों के प्रति ड्यूटी है इस वर्स को रिसाइट करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए फरमाते हैं जिन लोगों के पास माल था वो माल में से उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए फरमाने में आया है उनकी जो फसल थी जो गेहूं थी उसमें से कंट्रीब्यूट करने के लिए फरमाने में आया उनकी खजूर भले ही वो केवल आधी ही खजूर क्यों ना हो लेकिन कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए लोगों को रसूलुल्लाह ने फरमाया और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारा माल जमा हो गया तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर इबादत करने के लिए हमें फरमाने में आया है ये जो इबादत है इसके दो प्रकार है एक जाहिरी इबादत और एक बातिन इबादत हमारी जो फातिमी दाय है कादी अल नमान वो तालीम अल अलदाइम की इस किताब के अंदर लिखते हैं कि इबादत के दो प्रकार है एक जो है वो हमारे एक्शंस है यानी कि हमारे अमाल है हम किस तरह से दूसरों की दुख से हम इफ़ेक्ट होके हमारे अंदर उनके लिए एक दया की भावना जागती है हम उनके लिए जेनरस बनते हैं सेवा करते हैं न केवल दूसरों को के लिए लेकिन जो फेलो क्रिएशंस है उसके प्रति भी हमारे अंदर जो दया की भावना है ये सारे हमारे एक्शंस के अंदर इंक्लूड होते हैं और जो दूसरी जो प्रकार है वो है हमारी धर्म की जो फर्ज है जो इबादत बंदगी और ये दोनों से इबादत बनती है एक बर्ड की उड़ान के लिए उसे दो विंग्स की जरूरत होती है और उस दो विंग्स के जरिए ही वो बर्ड उठ सकता है बस उसी तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी की उड़ान के लिए हमारी ये दोनों प्रकार की इबादत बहुत ही जरूरी है प्रैक्टिस ऑफ अवर फेथ इज बोथ वर्शिपिंग गॉड एंड ऑफ कोर्स अवर एक्शन अवर गुड डीड्स अव खान डिवेलपमेंट नेटवर्क के जो ओवर थर्टी कंट्रीज में काम कर रहा है उसके एथिकल फ्रेमवर्क में लिखने में आया है सर्विस ऑफ गॉड

एक जिम्मेदारी हमें सौंपने में आई है जब हम ये वर्ड जो है कंपैशन उसे लिटरली समझने की कोशिश करते हैं तो ये दो लैटिन वर्ड्स का बना हुआ है कॉम और पैटी जिसका अर्थ होता है टू सफर विथ यानी कि दूसरों के दुख में सहभागी होना आर्मस्ट्रांग का नाम आपने सुना होगा ये बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश ऑथर है जिन्होंने अलग-अलग रिलीजियंस को स्टडी किए हैं रिलीजियंस की किताब लिखी है बहुत सारी बुक्स लिखी है कंपैरेटिव रिलीजन की बुक्स लिखी है कैरन आर्मस्ट्रॉंग कहते हैं कि द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस इज कंपैशन यानी कि हम हर धर्म का जो सार देखे उसका जो एसेंस देखे तो वो कंपैशन है दूसरों के प्रति जो दया दूसरों को मदद रूप होना ये धर्म का कोर है न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है उसके गेट के बाहर बहुत ही प्रोफाउंड पोइट्री की लाइंस इब करने में आई है पर पोएट शेख सादी की ये पोम्स लिखी हुई है इस पोम में लिखा है कि द चिल्ड्रन ऑफ एडम क्रिएटेड ऑफ द सेल्फ सेम क्ले आर मेंबर्स ऑफ वन बॉडी व्हेन वन मेंबर सफर ऑल मेंबर्स सफर लाइकवाइज ओ ऑफ Who are indifferent to the suffering of thy fellow, thou art unworthy to be called a man। इसमें लिखने में आया है कि एडम के जो बच्चे हैं, वो एक मिट्टी के बने हैं और ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की तरह है जब एक मेंबर तकलीफ में होता है तो उसका पेन दूसरे मेंबर को होता है और जब हमें दूसरे मेंबर्स का पेन हम फील नहीं करते तब हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद सल वसल्लम ने फरमाया है कि नॉन अमोंग यू इज अ ट्रू बिलीवर अनलेस ही लव्स फॉर अदर्स व्हाट ही लव्स फॉर हिमसेल्फ वे फरमाते हैं कि कोई भी सच्चा बिलीवर तब तक नहीं है जब तक कि वो जो अपने लिए चाहता है वो दूसरों के लिए भी वो सेम चीज वो चाहे तो ये जो कंपैशन है ये धर्म का कोर है एम्पथी वो भी को ये एक पार्ट ऑफ कंपैशन है प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जीवन है वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है इंस्पायर करता है हमारे को उनके लाइफ में इतने इंसिडेंट्स है जिनके अंदर उन्होंने हमें इंस्पायर किए हैं लोगों के सेवा करने के लिए एक मर्तबा एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी एक लेदर के बकेट के अंदर पानी भर के जा रहे थे जब रसूलुल्लाह इस बुजुर्ग आदमी को देखते हैं तो देखते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी के जो हाथ और पैर शेक हो रहे थे रसूलुल्लाह उसके पास से वो जो लेदर का बकेट है वो ले लेते हैं और उसके घर तक उसे पहुंचाते हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स है जिसके अंदर प्रॉफिट हमें इंस्पायर करते हैं वे लोगों को कहते थे कि कोई भी तरह की आप में स्किल हो उस स्किल से आप दूसरों की मदद करें अगर आप पढ़ लिख सकते हो तो दूसरों को पढ़ना लिखना सिखाए अगर किसी के छत पे शेल्टर नहीं है तो फरमाते थे कि आप उसकी शेल्टर बनाने में मदद करें एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था वो प्रॉफिट को पूछता है कि या रसोल्ला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मैं कैसा लोगों की मदद करूं तब उसे फरमाते हैं कि तू तो अपनी कैमल के ऊपर पानी कैरी कर और जिन लोगों के पास पानी नहीं है उस उन लोगों तक तू ये पानी पहुंचा इस तरह से हर इंसान को इंस्पायर करते थे दूसरों की मदद करने के लिए इनफैक्ट अपनी फेलो क्रिएशन की मदद करने के लिए वो फरमाते थे एक मर्तबा, रसूल के जमाने में एक लेडी एक स्ट्री डॉग एक जो डॉग था जो स्ट्रीट पे था जो बहुत ही तकलीफ में था वो वुमेन जो लेडी थी वो उस डॉग की सेवा करती है तब रसूलुल्लाह उस लेडी के लिए ब्लेसिंग्स की बहुत सारी दुआएं मांगते हैं ये सारे एग्जैंपल्स हमें बताता है कि हमारी जो प्रैक्टिस ऑफ फेथ है उसका ये जो कंपैशन है वो एक इंटेग्रल पार्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम किसी को ओब्लाइज नहीं करते लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं देखिए हमारी रोज की दुआ के अंदर हम कुरान शरीफ की सुर अनफाल वर्स 27 पढ़ते हैं या लजीन आमनु ला तखन व रसूल व तखन अमानातिकुम व अंतुम तालमून ओ यू हु बिलीव डू नॉट बिट्रे अल्लाह डू नॉट बिट्रे दौसल एंड डू नॉट बिट्रे द ट्रस्ट वाई यू नो यानी हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस जो ट्रस्ट हमारे पे रखने में आया है कि दूसरों की मदद करें दूसरों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी करें इन फैक्ट सूर्य बकर के अंदर वर्स 148 में फरमाने में आया है कि कि इन गुड यानी दूसरों की मदद करने के लिए करने के लिए दौड़ लगाइए अगर हमें कंपटीशन करनी है तो अच्छाई करने के लिए हम करें और जब हम इस तरह से ये दूसरों की मदद करते हैं और ये एक जब हमारा एक स्वभाव बन जाता है एक हैबिट जब बन जाती है तो मानो एक दूसरा नेचर बन जाता है एक मर्तबा एक ग्रुप ऑफ सेल्समैन था जो कि दूसरे टाउन के अंदर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है अभी इनका प्लान ये था कि वो वे सुबह उस टाउन में जाएंगे मीटिंग अटेंड करेंगे और शाम को वापस से फ्लाइट पकड़ के अपने टाउन में आ जाएंगे अब हुआ ये कि उनको इस मीटिंग के अंदर लेट हो गया और जब शाम को वे एयरपोर्ट के लिए निकले तब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया था वो जैसा वैसा एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फिर अपनी जो गेट जिस जहाँ से उन्हें उनकी फ्लाइट को बोर्ड करना था वह उस तरफ वे भागने लगते हैं दौड़ने लगते हैं अब इस प्रोसेस के अंदर दौड़ने में रास्ते में एक टेबल पे बहुत सारे फ्रूट्स रखने में आए थे और उस टेबल को वो नॉक करते हैं सारे फ्रूट्स जो है वो गिर जाते हैं अब इन लोगों के पास इतना टाइम तो था नहीं कि वे रुक के देखे कि क्या हुआ वे तो भागते रहते हैं जैसा वैसा उनके गेट तक पहुंचते हैं और फ्लाइट को बोर्ड करते हैं रिलीफ फील करते हैं। लेकिन इस सेल्समैन के अंदर एक जो सेल्समैन था उसे कुछ सही नहीं लग रहा था वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वो अपने कॉलिग्स को कहता है कि क्या हुआ है वो देखता है कि वो जो टेबल के सारे फ्रूट्स जो नीचे गिरे हुए थे उस टेबल के दूसरी साइड के ऊपर एक ब्लाइंड गर्ल थी कि जो ये फ्रूट्स को बेच रही थी वो सेल्समैन सारे फ्रूट्स उठाता है उस टेबल पे रखता है और उस फ्रूट्स के पैसे रखता है अब ये लड़की देख तो नहीं सकती थी लेकिन इस फुटस्टेप्स की आवाज को समझकर वो उस सेल्समैन को पूछती है कि आर यू एन एंजल क्या आप वरिश्ता हो देखिए ये सेल्समैन ने शायद अपनी फ्लाइट मिस करी हो लेकिन उसके दिल के अंदर जो फुलफिलिंग एक्सपीरियंस उसने किया हो जो एक इंटरनल हैप्पीनेस का अनुभव उसने जो किया होगा वो शायद दुनिया की कोई भी चीज उसे दे नहीं सकती तो ये जो कंपैशन है दूसरों के प्रति जो दया है ये दूसरों को तो मदद करती है लेकिन दूसरे से ज्यादा वो हमारे को बेनिफिट ज्यादा करती है Hazrat, Hazrat <laughs> Imam Jafar Sadiq Aliva al Salamne for hai ki Allah the Exalted has said, I shall accept the prayers of the of one who feeds the hungry ones, clothes the bare ones, acts with kindness and mercy to those in misery and trouble, provides shelter to those who are strangers and away from their homes. फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ जो भूखे को खाना खिलाता है जिसके पास कपड़े नहीं है उसे कपड़े देता है जो मुसीबत में है उसकी मदद करता है और स्ट्रेंजर्स को शेल्टर देता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तब हम हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं होते हमारी कम्युनिटी के साथ हमारी स्ट्रेंथ है अलामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है फर्द है कि कायम ए मिल्लत से तनहा कुछ भी नहीं मौज है दरिया में और ने दरिया कुछ भी नहीं यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो उसके कम्युनिटी के थ्रू है यानी कि वो अपनी कम्युनिटी के साथ मजबूत है जिस तरह से जो मौज होती है दरिया में वो दरिया के अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो होती है लेकिन अगर मौज को हम दरिया से अलग कर दे तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता बस उसी तरह से जब हम एक दूसरे को मदद करते हैं वो दूसरों को बेनिफिट देता है हमें एक इंटरनल हैप्पीनेस देता है हमारी कम्युनिटी को मजबूत करता है और हमें खुदा की नजदीकी हासिल करता है सेंट असांगा का नाम शायद अपने सुना होगा असांगा को बुद्धा मैत्रीय का दर्शन करना था उसे ज्ञान प्राप्त करना था एनलाइटनमेंट चाहिए था वो एक माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं साधना के लिए करीब तेरह साल तक वो साधना करते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलता वो नीचे आते हैं से वो दोबारा माउंटेन पे जाते हैं बारह साल तक वापिस से साधना करते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलता तब वो निराश होके उस माउंटेन से उतर के चल के बस जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक डॉग दिखाई दिया, जो कि बहुत ही कंडीशन में था उसका जो आधा बॉडी था वो रोटन था जिसके अंदर मेग थे यानी की कि कीड़े थे जब सेंट असांगा ये देखते हैं बहुत ही टच हो जाते हैं वो इमीडिएटली उस डॉग की सेवा करने लगते हैं दिल से उसकी चाकरी करने लग जाते हैं और तब अचानक उसे बुद्धा मैत्रीय के दर्शन होते हैं तब वो बुद्धा से पूछते हैं कि आप मुझे पहले क्यों ना मिले तब बुद्धा उसे कहते हैं कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था लेकिन तुम मुझे देख नहीं सके लेकिन जब तुमने इस डॉग की दिलो जान से चाकरी की तब सारे पर्दे गिर गए और तुम मुझे देख सके एक एनिमल की मदद करने से उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ देखिए हजरत अली अलेसलाम ने फरमाया है कि द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी इज फूड नरिशमेंट ऑफ द सोल इज फीडिंग अदर्स यानी कि जो हमारे शरीर का जो पोषण है नरिशमेंट है वो हम फूड से करते हैं खाना से करते हैं और जो हमारा सोल है उसका नरिशमेंट हम दूसरों को फीड करने से करते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं निस्वार्थ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जब हम मदद करते हैं तो वो हमारे अंदर एक ऐसी खुशी देता है एक इंटरनल हैप्पीनेस देता है जो दुनिया की कोई भी जो मटीरियल चीज़ नहीं दे सकती और जब हम दूसरों के प्रति कंपेशनेट रहते हैं तो वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है इस काइंडनेस को स्प्रेड करने के लिए ये एक चेन ऑफ काइंडनेस क्रिएट करता है आइए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि ये आदमी जो है वो किस तरह से दूसरों की मदद करता है और किस तरह से ये चेन ऑफ काइंडनेस को फैलाता है लेट्स वॉच दिस वीडियो จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก ้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี तो हमने देखा कि किस तरह से ये आदमी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कोई फेम या पॉपुलैरिटी के कोई भी एक्सपेक्टेशन के बगैर जब वो दूसरों की मदद करता है तब उसके दिल के अंदर जो खुशी पैदा होती है हर चीज़ से वो पर होती है दलाई लामा ने बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वॉन्ट हैप्पीनेस प्रैक्टिस कंपैशन

उस दिल खतरा भी नेक गुजरे पल पल बसे रब के हजूर यानी कि कोई भी जो डिफिकल्टीज uh, का टाइम है उसके ऊपर भी वो खुदा के नूर के नजदीक रहेगा और नेकी से दुनिया की चैलेंजेस और ट्राए ट्रायल्स उसे अफेक्ट नहीं करेंगे सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स Uh, ये जो कंपैशन है इट इज़ थ्रू कंपैशन वी कम क्लोज़र टू लॉर्ड इट हेल्प्स अस टू ओवरकम आर डिफ़िकल्टीज़ और ये इतनी ये जो हमारा जीवन है वो इतना प्रेशस है कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम ये कंपैशनेट बन बनने की ये अपॉर्चुनिटी को हम मैक्सिमाइज करें किसी ने बहुत ही खूबसूरत कहा है द डे आई डिड नॉट हेल्प सम वन एज इफ माई डे गॉट वेस्टेड यानी कि जिस दिन मैंने किसी की मदद ना की मानो मेरा वो दिन वेस्ट में गया हम ये याद रखें कि जब हम किसी की मदद कर सकते हैं वो हमारे लिए एक खुश नसीबी है हजरत अली ये एक uh, कलाम है कि वन हु इज मोर ब्लेस्ट इज नीडेड मोर बाई पीपल जब हम ब्लेस्ड होते हैं तो लोगों को हमारी जरूरत ज्यादा होती है और जब हम जो जमीन पे बसने वाले हैं जब हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं उनसे अच्छे रहते हैं तो फिर खुदा हम पर भी राजी होता है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सलम ने फरमाए हैं कि जमीन पर बसते हैं उनसे तुम अच्छे रहो जमीन पे बसते हैं उनसे तुम अच्छे रहो तो आसमान वाला तुम पर अच्छा रहेगा आई वुड लाइक टू एन माई प्रेजेंटेशन Allah प्रोफाउंड अल्लाह विल से ऑन द डे ऑफ son ओ सन ऑफ fell आई फेल इल एंड यू विजिटेड मी नॉट ही ओ लॉर्ड एंड हाउ शुड आई विजिट यू when you are the lord of worlds, he will say, "did you not know that my servant so and so had fallen ill, and you visited him not? did you know that had you visited him you would have found me with him?" Allah alafamate he ki adam ke me bi or, "tumuchidekni ne तब वो कहेगा कि ओ लॉर्ड आप तो इस जगत के लॉर्ड हो आपकी मुलाकात आपको विजिट करने में कैसा हूँ तब लॉर्ड कहते हैं क्या तू नहीं जानता कि मेरा सेवक बीमार था और तूने उसकी मुलाकात नहीं ली क्या तू नहीं जानता कि अगर तू तो उसकी मुलाकात लेता तो तू वहाँ मुझसे मिलता थैंक यू याली मदद